जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ से जो सिंस अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन है उसके पहले भी काफ़ी सारी जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ हैं टू इंक्रीज दी वोटर परसेंटेज जाती है। ऑलरेडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ सब प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर भी एक एज अ न्यू इनिशिएटिव हमने यहाँ पे जेके जाजूस के साथ यहाँ पे शेरवानी हॉल पे जो न्यूटन मूवी है विच इज़ रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस, जो पूरी एक अच्छी मूवी है जो दर्शाता है कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टी, पोलिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए, तो स्पेशली एक इनिशिएटिव लिया गया है कि स्पेशली जो हमारी यंग वोटर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 12 हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको ये मूवी दिखा के कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे स्टेप्स लेता है कि टू इंश्योर कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो हम चाहते हैं कि इस पहल के साथ हमारे साथ जो यंग वोटर्स हैं वो जुड़े, वो भी समझे कि जो इलेक्शन का महत्व है कि उनकी जो वोट है क्या महत्व है। इसी के साथ आज हमारे साथ ये जेके जागरूक के भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे DIO साहब भी हैं, UNC साहब भी हैं जिन्होंने ये पूरा अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम आगे वाले दिन में जितने भी हमारे स्पेशली बारामूला के इनर ग्राउंड कॉलेजेस हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मूवी दिखा के उनको इनकरेज करेंगे कि आए और जो हमारा 20 मई को हमारी वोटिंग है उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लें, सो दैट हमारी वोटिंग परसेंटेज ऑल टाइम हाई। बेसिकली रीजन ये होता है कि जस्ट टू इनकरेज पीपल टू वोट, जैसे हम ये सब मूवीज के थ्रू, IEC कैंपेन के थ्रू, फंक्शन के थ्रू, हमारे एक ही एम रहता है कि एक अवेयरनेस जनरेट करना, क्योंकि जब तक बंदा अवेयर नहीं होगा वो वोट नहीं करेगा। तो पहला हमारा फोकस है अवेयरनेस करना, और जो हमारा सेकंड फोकस रहता है जो अभी हम काम चल रहा है वो है कि पोलिंग स्टेशन में हमारी फैसिलिटीज देना, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो हम होप करते हैं कि इससे हमारी बेसिकली और यंग वोटर्स हमारे साथ जुड़े।